हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। फ्रेंड्स, आज मैं राजमा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम राजमा को रात से पानी में भिगो कर रखा है, 200 ग्राम दही, एक बड़ी साइज की प्याज जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, 3 टेबल स्पून देसी घी, 3 मीडियम साइज का टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1½ टीस्पून नमक, 2 तेज़पत्ता, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हरी धनिया। सबसे पहले राजमा को बॉईल करना है। तेज़पत्ता, दालचीनी, नमक, इसमें 2 कप पानी डालना है। अब इसको बॉईल करना है। राजमा हमारा बॉईल हो गया है। मैंने इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाया था, फिर इसे 20 मिनट तक लो फ्लेम पर बॉईल किया है। राजमा हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसका पानी निकाल देना है। मैंने राजमा को पानी से निकाल लिया है। पैन हमारा गरम हो गया है। अब इसमें घी डाल देना है। आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी हमारी गरम हो गई है। अब इसमें जीरा डाल देना है। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। मीडियम फ्लेम पर भूनना है। लहसुन अदरक की पेस्ट को डाले हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालना है। प्याज डाले हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसमें नमक डालना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देना है अच्छे से। सभी मसालों को डालकर इसे अच्छे से 2 मिनट तक चलाना है। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालना है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूना है। अब इसमें दही डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। दही डालने के बाद मैं इसे 10 मिनट से मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ। मसाला हमारा भून गया है। अब इसमें राजमा डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें पानी डालना है। मैंने इसमें 1½ कप पानी डाला है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ढक कर पकाया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। राजमा हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देना है।
फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।